सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये अपना एसी है ना, ये ऊपर जो है तो ये ख़राब हो गया, मतलब कूलिंग नहीं कर रहा है। तो अभी एसी वाला बंदा बुलाया है, तो अभी वो आ रहा है, देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी आके वो चेक करेगा। तो अब एसी वाले भाई आ चुके हैं, तो अब ये चेक कर रहे हैं कि एसी मतलब खोल के चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। बना रहा हूँ इनको, यहाँ पे मतलब पता चल गया था कि एसी में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ डैमेज है, तो उसको ये मतलब सही कर रहे हैं। अब फिर देखते हैं कि कूलिंग करता है नहीं करता एसी। तो अपने एसी अब रिपेयर हो चुका है, तो अब इसको जो है ऑन करके देखता हूँ कि कूलिंग कर रहा है या ना कर रहा। तो इसको पहले करते हैं ऑन। मम्मी रिमोट देना एसी का। एक मिनट, थोड़ा अब कर रहा है एकदम सही कूलिंग। तो एकदम सही कूलिंग कर रहा है, काफ़ी मतलब ठंडी हवा भी आ रही है इसमें। मतलब पहले पहले क्या था कि इसमें बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं आती, इसमें नॉर्मली हवा आ रही थी इसमें, तो पूरी ठंडी हवा आ रही है। तो आपने मेरे पहले की वीडियो में देखा हो, भाई अमरूद काफ़ी छोटा सा था, तो अभी बहुत बड़ा हो चुका है। तो मैं अब आपको साइड में पहले वाले अमरूद की फ़ोटो भी दिखा दूँगा। तो अब चलो इसको तोड़ के टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है ये खाने में। तो अभी मैं अमरूद तोड़ ही रहा था, इतने में छत पे बंदर आ गया था, तो उसको भगाया तो सामने वाली छत पे जाके बैठ गया ये। तो जो गमले में अमरूद उगा हुआ था, तो उसको मम्मी ने काटा, तो बाकी तो सब खा के ये चार पीस बचे हैं। पर ये देखो, मतलब बहुत सा अमरूद के अंदर का वाइट होता है, तो इसका जो है लाइट पिंक है, देख ही सकते हो कलर कैसा बहुत होगा था, वाइट होता है इसका, लाइट पिंक सा है। तो चलो मैं इसको खा के देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। चलो टेस्ट तो सेम वही वाइट वाला है, इसमें कलर थोड़ा अलग है। तो आप सबने मेरी काफ़ी पहले की वीडियो में देखा होगा, मैंने ये फिक्सेटिव स्प्रे मंगवाया था, तो अभी ख़त्म हो गया है। तो मैंने एक तरीका और किया कि ये एक मेरे पर सैनिटाइज़र की बोतल पड़ी हुई थी, और ये मैं एक फेविकोल लेके आया हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो है इतना पानी में यहाँ तक पानी भर दूँगा, और फिर उसके बाद थोड़ी सी इसमें फेविकोल डालूँगा, और जब फिर मेरी जो ड्राइंग है ना, जिससे इससे क्या होता था कि ड्राइंग सेफ रहती थी, तो अब जो है मैं एक बार इसको बना के तो इससे मैं ट्राई करके देखता हूँ कि ड्राइंग कैसी मतलब सेफ़ रहती है, ख़राब हो जाती है, वो सब मैं आपको अभी दिखाता हूँ पूरा इसको। चलो अब मैं फटाफट से मिला देता हूँ इसमें। चलो अब मैं इसको बनाता हूँ, तो पहले इसमें जो है पानी भर देता हूँ। इतना पानी बहुत है, अब जो है इसमें ये ग्लू मिला देते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी मिलानी है बस। हल्की सी और बस, तो इतनी बहुत है अब इसमें। इसको करते हैं बंद, तो अब इसको कर लेते हैं अच्छे से सेक। तो अब अपना ये रेडी हो चुका है, तो चलो अब इसको ड्राइंग पे ट्राई करते हैं। तो चलो अब इसको ड्राइंग पे ट्राई करते हैं। तो मेरा ये जो बाहुबली वाला जो स्केच है, मेरा फोकस हाँ हो गया, पंखा बंद कर देना ना तो पेज उड़ने लगेगा। तो अब इस पर करते हैं ट्राई।
मेरे को इसका इतने बारे में कुछ पता है नहीं, क्योंकि पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं ये। अब देखते हैं कि पेज ख़राब होगा या फिर सही होगा, सूखने के बाद ही पता चलेगा। तो अब इसको सूखने के लिए छोड़ देता हूँ यहीं पे, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें मतलब कैसा बनाइए। तो अब मैंने इस पर स्प्रे कर दिया है, और अब अगर हाथ करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है हाथ पे। तो अगर आप भी ये चीज़ अगर ट्राई करें तो मतलब जो आप पेज यूज़ करें ना, तो थोड़ा मोटा हो, अगर पतला पेज होगा तो फिर ये फट जाएगा। तो अगर आप कोई ट्राई करना हो तो मोटे पेज पे ही करना, नहीं तो फिर पेज जो है ना फट जाएगा पूरा। तो मेरा भी पेज दिखाता हूँ अभी एक मिनट। तो मेरा भी पेज है देखो, मतलब अभी सूख तो गया पर हल्का हल्का सा अभी गीला है, फूल फूला भी हुआ है पेज, यहाँ मतलब पेज जो है थोड़ा फूल चुका है। बाकी तो मतलब सही काम कर रहा है ये, मतलब अच्छे से यहाँ पर मैंने किया तो जो अब हो रहा है हाथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो कुछ भी नहीं हो रहा हाथ पे। ये चीज़ तो सही है, पर अगर लाइट पेज पे अगर करोगे ना इसको तो पेज ही फट जाएगा। तो अगर इसको आप ट्राई करो तो मोटे पेज पे ही करना। तो मैंने ये जो स्प्रे बनाया था इसके मतलब काम तो सही कर रहा है, पर जो है ना पेज थोड़ा डैमेज हो जा रहा है इससे। तो फिर मैं मार्केट से जाके ये वाले स्प्रे ले आया हूँ मैं फिक्सेटिव का। ये जो पहले था वो 200 ml का था, तो अब की बार जो मैं लेके आया हूँ 400 ml का है। और ये इसका ऑनलाइन अगर प्राइस मैंने देखा था तो ऑनलाइन ये 650 का था, और ये मेरे को मार्केट में 400 रुपये का मिल गया आराम से। तो मेरे को तो ऐसे स्प्रे सही लग रहे थे इसलिए मैं तो इन्हीं को यूज़ करता हूँ। बाकी इसको तो मैंने ट्राई किया था, है तो ऐसा ही। अगर आप अभी कोई मतलब ड्राइंग वराइंग बना के उसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसी को यूज़ करें, क्योंकि ये तो अभी आप ना यूज़ करें अभी, क्योंकि इसकी ज़रूरत होगी नहीं आप सबको। तो आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं घर पर ही बना के। बाकी फिर अगर आप ट्राई करें तो मोटा पेज पे ही करना बस, क्योंकि अगर जहाँ पतला पेज हुआ तो 2 मिनटों में फिर पेज ही फट जाएगा। तो चलो अब इस वीडियो को करता हूँ एंड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इस वीडियो का लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। अब मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।